हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के BZYET 143 के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि आप लोग अपने इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कहां से कर सकते हैं कम समय में, जिससे कि आप लोग अपने पासिंग मार्क्स से भी अबव स्कोर कर सकते हैं। इवन 80-90% तक भी आप लोग अपने इस एग्ज़ाम के लिए स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का June 2022 का क्वेश्चन पेपर है, और इसी की हेल्प हम आपके इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, और साथ ही साथ मैं बताऊंगी कि आप लोगों के किस टाइप के टॉपिक्स इस वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का नाम है आप लोगों का इंसेक्ट वेक्टर्स एंड वेक्टर बोर्न डिसीजेस, एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आप लोगों का 50 मार्क्स का आता है। इसे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाती है, तो 2 घंटे के अंदर ही आप लोगों को अपना ये पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। और यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो होते हैं आप लोगों के 18। ठीक है, 50 में से 18 मार्क्स लेकर आने होते हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों के 18 मार्क्स आ गए तो आप लोगों को इस वाले पेपर में पास कर दिया जाएगा, और अगर आप लोगों के 18 से 17 भी मार्क्स आए 50 में से, तो आप लोगों को इस वाले पेपर में फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वाले एग्जाम में पास होना है तो एटलीस्ट आप लोगों को 18 मार्क्स तक स्कोर करने होंगे। एंड फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में एक नोट गिवन होता है, जहाँ पे कि आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे होते हैं पेपर से रिलेटेड, जो आप लोगों को फॉलो करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए कंपलसरी है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, उसे करना ही करना है आप लोगों को। एंड सेकेंड नंबर पर यहाँ पर दे रखा है 2 से लेकर 7 तक के जो क्वेश्चन हैं उनमें से सिर्फ आप लोगों को 4 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो टोटल आप लोगों के यहाँ पर 7 क्वेश्चन हैं, और 7 में से आप लोगों को 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, और 5 क्वेश्चन आप लोगों के 10 मार्क्स का वेटेज रखेंगे। ठीक है, तो 50 मार्क्स का इस तरीके से आप लोगों का पेपर हो जाएगा यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों के स्टार्टिंग में एक्सरसाइज वर्क पूछा जाता है, जैसे कि फिलअप है, ट्रू फॉल्स है, मैचिंग है, या फिर वन वर्ड आंसर। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पार्ट में यहाँ पे आप लोगों से मैचिंग पूछे गए हैं, तो इस तरीके से आप लोगों की मैचिंग आएंगी। एंड फिर सेकंड नंबर पे जो फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आप लोगों को इनका एक एक फंक्शन बताना है, जो इंसेक्ट के पार्ट्स होते हैं इनका एक एक फंक्शन आप लोगों को बताना है। ठीक है, और अब आते हैं ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होते हैं, और इन्हें आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के डिफरेंशिएट पूछे जाते हैं, जो डायरेक्टली आपके बुक से चैप्टर्स के बीच में जो टॉपिक होते हैं उनसे पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अपनी बुक के चेक योर प्रोग्रेस वाले क्वेश्चंस या फिर टर्मिनल वाले क्वेश्चंस अगर अच्छी तरीके से कर लिए, तो आप लोगों के ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे, आप लोग इनमें से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करनी है, और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस ना हो, तो आप लोग जो आपकी बुक में चेक योर प्रोग्रेस करके और जो टर्मिनल क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पर इसकी इमेजेस अपलोड हैं वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहाँ पर फुल इमेजेस हैं, तो वहाँ से भी आप लोग इनके स्क्रीनशॉट लेकर अपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है आप लोगों का, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों के जो वेक्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो डिसीज होती हैं इनके बारे में ज़्यादा दिया गया है। अगर आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो आप लोगों का ये जो क्वेश्चन पेपर है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये है आप लोगों का हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर, एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का, बस इसमें यहाँ पे हिंदी मीडियम में कर दिया गया है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो अपना इस वाले पेपर को देख सकते हैं, उनके लिए भी मैंने हिंदी मीडियम की जो इमेजेस हैं वो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रखी हैं, बाकी आप लोग यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप लोगों को भी आपके जो बुक के क्वेश्चंस होते हैं उनसे ही अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि पेपर जो होगा दोनों का ही सेम होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, टोटल आप लोगों से यहाँ से 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 7 में से आप लोगों को 5 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होगा, एंड फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे कंपलसरी होगा। ठीक है, और इसके पासिंग मार्क्स हैं आप लोगों के 18। तो अगर आप लोगों को ये मार्क्स लेकर आने हैं तो बुक के क्वेश्चंस आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों ने बुक के क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लिए, तो आई एम श्योर कि आप लोग 80-90% तक भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आप लोगों को इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, या फिर अगर किसी और सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो भी आप लोग उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगी आपके एग्जाम से पहले, लेकिन आप लोग
लोग अपने एग्ज़ाम से पहले कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए और एनालाइज़ करने के लिए टाइम मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग टाइम से कमेंट कीजिएगा जिस भी सब्जेक्ट के आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।